book Footprints Without Feet, and chapter number 1 A Triumph of Surgery, and it is written by James Herriot. So he was a British vet surgeon, ठीक है, एंड प्लस ऑथर. तो देखते हैं इस चैप्टर में हमें क्या नया सीखने को, पढ़ने को इंटरेस्टिंग सा मिलता है. सो ट्रिकी, अ स्मॉल डॉग इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस. ही फॉल्स सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स अ वेटरिनरी सर्जन. डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन? डज द डॉग रिकवर? सो अभी देखो, एक सस्पेंस क्रिएट किया है और एक एक्साइटमेंट भी है कि क्या हुआ. तो ट्रिकी हमें लगता है हमारे स्टोरी का मेन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हमें मिल चुका है, ट्रिकी अ स्मॉल डॉग. एंड वो बहुत ही पैम्पर्ड था और ओवरफेड, मतलब ट्रिकी जो था उसकी जो मिस्ट्रेस, उसकी जो ओनर थी ना, वो बहुत पैसे वाली थी और उसने उसको बड़े ही प्यार से और इतना प्यार था उस पर उड़ेलती थी. वो किसको खिलाती है? बहुत ही ओवरफेड मीन्स ज़्यादा खिला देती थी ज़रूरत से. तो क्या हो गया? अब अति तो किसी भी चीज़ की बुरी होती है ना. ज़्यादा भी खाओगे तो बेटा फिर बीमारी पड़ेंगे. तो हम ह्यूमन बींग्स तो पढ़ते हैं, एनिमल्स भी बीमार होते हैं. तो क्या हुआ, इसी वजह से वो सीरियसली बीमार हो गया. ठीक है, अब उसकी जो ऑनर है वो कंसल्ट करती है वेटनरी सर्जन को, जो कि हमारे ऑथर हैं. और अभी उन्होंने बोला है कि क्या ट्रिकी का कोई ऑपरेशन होता है, क्या वो रिकवर होता है, तो ये सब हम स्टोरी में देखेंगे. चलो फिर शुरू करते हैं. आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम. आई हैड पुल्ड अप माई कार वेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपियरेंस. अब यहाँ पे आई मीन्स जो हमारे नरेटर हैं और वो ऑथर जो हैं वो इसके ही हिमसेल्फ इज नरेटिंग द स्टोरी. ओके, तो हमारे जो नरेटर हैं वो बोल रहे हैं कि इस बारे में ट्रिकी की जो हालत थी ना, उसको देख के सच में चिंतित था, वरिड था. तो कहते कि मैंने अपनी कार, आई हैड पुल्ड अप माई कार, अपनी गाड़ी रोक दी जब मैंने गली में ट्रिकी को उसकी मालकिन के साथ, उसकी ओनर के साथ देखा. एंड मैं उसे देख के आई वॉज जस्ट शॉक्ड. ही हैड बिकम ह्यूजली फैट लाइक अ ब्लोटेड सोसेज विद अ लेग एट ईच कॉर्नर. वो इतना मोटा हो गया था, ह्यूजली फैट मतलब बहुत ज़्यादा मोटा. सो ब्लोटेड सोसेज, एक स्नैक, सोसेज एक स्नैक होता है, ठीक है. सो बड़ा लार्ज, बहुत ज़्यादा लार्ज ना, तो जिस तरह से एक ब्लोटेड सोसेज होता है, बस उसकी जैसे हर कोने में लेग्स लगा दिए हैं. ट्रिकी एकदम वैसा ही दिख रहा था. हिज आईज ब्लड शॉट एंड रूमी स्टेयर स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉस. अब देखो वो कैसा था कि मतलब उसकी आंखें ना से लाल हुई पड़ी थी, ब्लड शॉट जैसे रेडिश थी, और वाटरी आइज थी उसकी. रूमी मीन्स वाटरी आइज, ठीक है. और उसकी जो टंग थी ना, वो ऐसे जैसे उसके जॉस के पास ऐसे लटकी हुई थी, जैसे डॉगी मतलब वो लटकी हुई थी. तो उसको, उसकी जो अपेयरेंस थी वो बता रही थी कि वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है. मिसिस पम्फ्रे हैसेंट टू एक्सप्लेन, मतलब बड़ी बड़ी जल्दी उनकी जो मिसिस पम्फ्रे हैं, जो उनकी जो उस डॉग की ऑनर है, एकदम क्विकली उसने एक्सप्लेन किया. ही वो सो लिसलेस मिस्टर हैरियट, कि वो डॉक्टर को बताती, सर्जन को बताती कि वो बहुत लेजी सा था ना, सुस्त सा था, एक्टिव नहीं था. ही सीम टू हैव नो एनर्जी, उसमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी. आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मॉल न्यूट्रिशन. सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, सम मॉल्ट एंड कॉड लिवर ऑयल एंड अ बॉल ऑफ फोर लेग्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप. नथिंग मच रियली. तो वो एक्सप्लेन करती हैं कि वो मुझे बहुत ही लेजी सा लग रहा था, तो मुझे लगा कि शायद वो, उसको जो प्रॉपर न्यूट्रिशंस मिलने चाहिए शायद वो नहीं मिल रहे हैं, उसकी डाइट में कुछ कमी रह रही है. तो मैंने उसको खाने के बीच में कुछ एक्स्ट्रा देना शुरू किया. जैसे क्या देना शुरू किया? कुछ मॉल्ट, कॉड लिवर ऑयल, एक फिश ऑयल होता है, और बॉल ऑफ हॉर्लिक्स रात को, जिससे कि वो सो सके. और इतना कुछ दे रही है वो, इसके अलावा वो खाना भी उसको खिला रही है, और वो कह रही है नथिंग मच रियली, कि कुछ ज़्यादा नहीं, बस यही. And did you cut down on the sweet things as I told you? तो वो जो ऑथर है वो पूछ रहे हैं, क्या आपने, मैंने इसको मीठा खाने से मना किया था, तो क्या आपने वो मीठी चीज़ें इसको देना बंद की हैं? कट डाउन मीन्स उन्होंने कमी की है, बंद की हैं. ओ आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट. तो वो कहते हैं कि
मैंने किया, थोड़ा बहुत किया, बट वो ना इतना वीक लगता था, इतना वीक लगता था कि मुझे फिर मतलब कंप्रोमाइज़ करना पड़ा। मुझे मतलब रिलेंट मीन्स कि मैं जिस चीज़ के लिए बड़ी डिटर्मिन थी, फिर मुझे उस चीज़ को छोड़ना पड़ा। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, सो कहती है कि वो इतना क्रीम केक्स और चॉकलेट्स उसको इतनी पसंद है, आई कांट बेयर टू रिफ्यूज़ हिम। कहती है कि मैं उसे नहीं मना कर सकती, मतलब वो उसे इतना प्यार करती है ना कि वो उसको खिला 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 के उसने बीमार कर दिया हुआ है वो। आई लुक्ड डाउन अगेन एट द लिटल डॉग, दैट वॉज अ ट्रबल। तो कहते कि मैंने फिर देखा उस बेचारे लिटल डॉग की तरफ ऐसे नीचे, पर उनको मतलब बड़ा उसको लगा कि वो तो उसकी बुरी हालत थी। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, तो ट्रिकी की क्या गलती थी कि वो बड़ा लालची था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, मतलब एक तो होता ना कि ठीक है अगर उसकी ओनर उसको ओवर फेड कर रही है तो अगर डॉग ही आगे से मना कर दे खाने को, लेकिन वो इतना ग्रीडी था ना कि उसको कुछ भी रख दो वो कभी भी कुछ भी हर चीज़ खा लेता था। उसको फूड को मना करना उसको आता ही नहीं था। ही वुड टेक अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, मतलब वो दिन में रात में उसको कभी भी कुछ खिला दो। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसिस पम्फ्रे हैडंट मेंशन्ड। और जो ऑथर हैं वो कहते हैं कि अब उन्होंने तो वो बताया, लेकिन बोलते कि मुझे हैरानी हो रही थी कि ये सब चीज़ें उन्होंने नहीं मेंशन करी, क्योंकि उनके लिए मिसिस पम्फ्रे के लिए वो ओवर ईटिंग थी ही नहीं, वो तो उसकी केयर थी। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, फिर उन्होंने पूछा कि भाई इसको ठीक ठाक से एक्सरसाइज करवा रहे हो ना। वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, बट हॉकिन द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विद लम्बेगो, सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। तो वो कहते कि मतलब वो हाँ मेरे साथ वो छोटे वॉक्स तो लेता है जैसे कि अभी आप देख सकते हो, लेकिन जो उनका गार्डनर है जो है मिस्टर हॉकिन है जो, तो उसको ना लम्बेगो मीन्स उसको लोअर बैक पेन हो गई है, ठीक है। तो अब वो उसके साथ रिंग थ्रोइंग नहीं कर रहा है, रिंग थ्रोइंग जो है वो नई गेम खेल रहा है। अब रिंग थ्रोइंग क्या होती है आपने देखा है ना, जैसे डॉग्स वगैरह हो गए उनको क्या करते हैं, जैसे रिंग्स हैं कोई भी चीज़ उनको जब दूर फेंकते हैं तो वो भागते हैं और उसको पकड़ के लाते हैं फिर से उसे उसके पास जो उसके साथ खेल रहा होता है, फिर उसको दूर फेंकते हैं, फिर वो डॉग्स बहुत तेज़ी से भागते हैं और उसको लेकर आते हैं। तो ये जो होती है ना ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है एनिमल्स के लिए। तो अब वो भी उसकी बंद है। आई ट्राई टू साउंड सीवियर, नाउ आई रियली मीन दिस। तो अब डॉक्टर जो ऑथर हैं उन्होंने मतलब सीरियसली बहुत सीवियर मींस बहुत गंभीरता से कहा, मतलब उन्होंने कोशिश करी कि उनकी जो भी वो बोल रहे हैं उसको वो सीरियसली लें, तो मतलब वो सच में सीरियस थे। और इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, उन्होंने बोला कि अगर आपने इसके खाने में कमी नहीं की और उसको एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं कराई तो वो सच में बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, आपको अपना दिल मजबूत करना है और उसको बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट पे रखना है। मिसिस पम्फ्रे रंग हर हैंड्स, ओ आई विल मिस्टर हैरियट। तो उन्होंने रंग हर हैंड्स मीन्स ऐसे हाथों को करते हैं ना, जैसे हम सीरियस बात होती है तो हम अपने हाथों को आपस में ट्विस्ट करना शुरू कर देते हैं ना, तो उनका भी जेस्चर वही था। तो कहते हैं कि हाँ मिस्टर हैरियट आई विल, मैं करूँगी, आई एम श्योर यू आर राइट, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। कहते कि मैं मुझे पता है बिल्कुल सही हो, बट ये बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। शी सेट ऑफ हेड डाउन अलॉन्ग द रोड एज इफ डिटरमिंड टू पुट द न्यू रेजीम इन टू प्रैक्टिस इमीडिएटली। अब वो चली गई, ठीक है। अब जैसे बंदा किसी सोच में होता है ना, गहरी सोच में, तो ऐसे अपना सिर नीचे किया हुआ है रास्ते के साथ साथ, लेकिन दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। और मे भी लग रहा था कि शायद अभी वो सोच रही है कि नहीं अभी जो भी रिजीम मीन्स जो भी प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर ने इसको बताई है वो उसको इमीडिएटली फॉलो करेगी, ठीक है, जो भी मेथड उसको बताया है। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, तो वो कहते कि मैं बिल्कुल कंसर्न से उनकी प्रोग्रेस पे उन्होंने नज़र रखी हुई थी। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीट कोट, ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स फॉर द कोल्ड वेदर एंड अ रेनकोट फॉर द वेट डेज। तो जैसे वो जा रहे थे ना तो डॉक्टर उनको पूरी तरह से देख रहा था, तो ट्रिकी क्या कर रहा था, टॉटरिंग ऐसे मटक मटक के चल रहा था, और उसने उसका ट्वीट कोट जैसे पहना हुआ उसने ना, ट्वीट कोट डॉगीज के लिए आता है जैसे उनको ठंड से बचाने के लिए, वो उसने पहना हुआ है। तो वो कहते हैं कि उसके पास एक पूरा वार्डरोब है जिसमें ऐसे कोट्स हैं और रेनकोट्स हैं उसको ठंड और बारिश से बचाने के लिए। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग
इन हीज हार्नेस। अब हार्नेस इसे गले में लगाया, गले में वो राउंड सा होता है जिससे वो फिर रस्सी से जो भी ओनर है वो डॉग्स को पकड़ते हैं। तो बेचारे को स्ट्रगल हो रहा था, ड्रूपिंग मीन्स ऐसे डाउनवर्ड उसकी गर्दन जा रही थी, तो इतना हैवी था, स्ट्रगल ही कर रहा था। ऊपर से उसके पास कपड़े थे, हार्नेस थी जो उनके साथ वो स्ट्रगल करता करता ऐसे चला हुआ था। आई थॉट इट वोंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसिस पम्फ्री। सो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, ठीक है, वो उनके बारे ऐसे उनके दिमाग में था, लेकिन उनको मतलब उनको एक कॉल आई मिसिस पम्फ्री की, द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। तो आई थॉट इट वोंट बी लॉन्ग बिफोर, तो उनको लगा कि वो जा तो रहे हैं लेकिन मतलब मिसिस पम्फ्री जल्दी ही उनको कॉल करेगी। एंड द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, और जैसा कि उनको पता था कि उनकी तरफ से फ़ोन आने वाला है वो आ भी गया कुछ दिनों में। मिसिस पम्फ्री वॉज डिस्ट्रॉट, ट्रिकी वुड ईट नथिंग, मतलब वो बहुत परेशान थी, बड़ी ही ज़्यादा बेचारी अपसेट थी, डिस्ट्रॉट मतलब बहुत ही अपसेट थी कि ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा है, रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज, एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग। कहते हैं कि उसने मतलब उसकी फेवरेट डिशेज तक खाने के लिए मना कर दी, और कंटिन्यूसली उसको वॉमिटिंग्स हो रही है ना, ठीक है, बहुत जैसे बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, जैसे पीरियड के लिए, एक टाइम पीरियड के लिए तो उसको वॉमिटिंग हुई। ही स्पेंट ऑल टाइम लाइंग ऑन रग पैंटिंग, तो वो रग पे, रग मीन्स जैसे छोटा सा मैट बोलो, पर उस पर थोड़ा सा वो सॉफ्ट होता है, तो उसी पे बैठा लेटा रहता है वो, और पैंटिंग हाफता है, वो हाफता रहता है। डिड नॉट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स, डिड नॉट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, ना तो वो उस वॉक पे जाता है, ना जाना चाहता है, और ना ही वो कुछ और करता है, बस ऐसे बैठा रहता है लेजी सा। ओके, आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। अब जो ऑथर ने कहते मेरा प्लान पहले से ही रेडी था, ठीक है, और कहते कि उस ट्रिकी को सही करने का एक ही तरीका था, उसको वहाँ से निकालना, उस घर से लाना कुछ समय के लिए। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। अब उन्होंने बोला कि उसको फोर्टनाइट मीन्स 2 वीक्स के लिए उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखने के लिए, ठीक है। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वून, मतलब स्वून मीन्स ऐसे जैसे बोलते हैं ना कि मतलब ऑलमोस्ट वो बेहोशी होने वाली थी। उसको सुन के ऐसे लग गया कि अच्छा इसको इतना सीरियस है ये, क्योंकि वो उससे इतना प्यार करती है। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, उसको मतलब वो श्योर थी कि वो तो मतलब बिल्कुल मतलब मर ही जाएगा, उदास हो जाएगा, पाइन मीन्स वेरी सैड, लेमेंट हो जाएगा कि वो उसको अगर रोज़ नहीं देखेगा। बट आई टुक अ फॉर्म लाइन, लेकिन जो ऑथर है वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल एकदम डिटर्मिनेशन से उन्होंने बोला कि भाई ऐसा तो करना पड़ेगा। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, तो उन्होंने बोला कि ट्रिकी बहुत बीमार है और यही तरीका है उसको बचाने का, नहीं तो वो मर भी सकता है। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले एंड फॉलोड बाय मिसिस पम्फ्रीज वेलिंग्स। तो उन्होंने मतलब क्या किया कि बेस्ट है कि उसको बिना किसी देर के जल्दी से यहाँ पहुँचाया जाए, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली जो मिसिस पम्फ्री वेलिंग्स मीन वो क्रा उसकी जो उसका रोना धोना सब कुछ था कि हाय अरे कैसे रहेगा ये वो। आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंट। अभी वो गए कार की तरफ, वो आ गई बेचारी रोती रोती कार में लेकर, तो वो गए तो कहते कि लिटिल डॉग को रैप किया हुआ ब्लैंकेट में, ठीक है। तो जो ऑथर हैं वो खुद जाते हैं उसको लेने, और कहते हैं कि जैसे मतलब वहाँ गया तो अब वो बहुत रिच लेडी थी, जब उनको पता चला कि जो स्टाफ था वो मतलब एकदम से पूरा मतलब एक्टिवली यहाँ से वहाँ मतलब भाग दौड़ शुरू होगी, वहाँ पे मेड जो थी वो भागी यहाँ से वहाँ, उसका डे बेड ला रही हैं, ट्रिकी का नाइट बेड ला रही हैं, उसके कुशन्स फेवरेट, उसके टॉयज, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बॉल, लंच बॉल, सपर बॉल, सपर मीन्स डिनर। तो मतलब वहाँ तो हलचल मच गई। अब इनको लगा जो हमारे सर्जन है, जो हमारे ऑथर हैं, कि अरे इतना सारा सामान तो मेरे गाड़ी में आएगा ही नहीं, तो कहते कि मैंने फटाफट से स्टार्ट कर दिया ड्राइव करने, ठीक है। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही मैं चला, मिसिस पम्फ्रे उन्होंने मतलब देखा कि वो मतलब उसकी डिसअपेयरिंग क्राय ना, मतलब उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था, बट वो उनका बुरा हाल था, तो उन्होंने क्या किया, थ्रू एन आर्मफुल ऑफ लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो। तो फटाफट से उन्होंने जैसे कोट्स जो थे उसके पहनने वाले, आर्मफुल होता है मुट्ठी भर, फटाफट से विंडो से अंदर कर दिए।
तो आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ट्राइब. तो कहते हैं कि मैंने शीशे में देखा, जैसे ही उन्होंने मतलब मुड़ने से पहले, जैसे आगे मोड़ होगा वहाँ से मुड़ने से पहले शीशे में देखा, एवरीबडी वॉज इन टीयर, सभी की आंखों में क्या थे, आंसू थे. तो कैसे मतलब वो जैसे ऑथर हैं वो जाते हैं उसको लेने ट्रिकी को, तो वो अभी घर में हलचल मच जाती है, स्टाफ सारा पूरा एकदम अटेंटिव हो जाता है ना उसकी चीज़ें देने के लिए, और जब जाते तो हर कोई बहुत दुखी है. ठीक है, जब मिस्टर हैरियट जो हैं वो जाते हैं उसको लेने. ठीक है, आउट ऑन द रोड आई ग्लांस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड. कहते कि अभी गाड़ी में वो उसको लेके जा रहे हैं, कहते मैंने उसको देखा, पैथेटिक मतलब बड़ा ही बेचारा, मतलब उसको उसको देख के पिटी आ रही है उनको ना, तो वो हाँफ रहा है सीट पे बैठा हुआ. आई पैटेड द हेड एंड द ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल. पुअर ओल्ड डैड, आई सेड यू हैवंट अ किक इन योर इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू. तो उन्होंने पैट में जैसे थपथपाया उसका सिर, और चिकी ने मतलब कोशिश की, पूरी ब्रेव एफर्ट किया अपनी टेल को हिलाने का, बट वो उससे कुछ होता ही नहीं है, तो उसमें एनर्जी बची नहीं है. तो वो कहते हैं पुअर ओल्ड लैड, बेचारा है ना, बेचारा. कहते कि तुम्हारे में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रही है, बट मुझे पता है कि मैं तुम्हें कैसे ठीक कर सकता हूँ. एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्च्ड राउंड मी. अब जहाँ पे वो गए, जहाँ पे उनका हॉस्पिटल था ना सर्जरी, जहाँ पे वो रखते थे सारे पैट्स को, डॉग्स को सर्जरी के लिए, तो कहते हैं कि जो भी वहाँ पे थे डॉग्स से, वो उन्होंने सर्च राउंड मी क्राउड, मतलब एकदम से उनको देख के वो उसके उन्होंने भीड़ लगा दी उनके आसपास. ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कार्पेट. अब ट्रिकी ने जो जैसे वो अभी डॉग सारे पैक मीन्स ग्रुप डॉग का, तो ऑब्वियसली उन्होंने शोर मचाया हुआ है ना, तो ट्रिकी ने बिल्कुल डल आइज से उनको देखा. ठीक है, जब उसको नीचे रखा और बिल्कुल मोशनलेस वो कारपेट पे लेट गया. द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकंड्स डिसाइडेड ही वाज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम. अब जैसे डॉग वो उसको नीचे रखा, नए डॉग्स वो उसके आसपास घूमे, स्निफिंग उनको सूंघा थोड़ा बहुत, और उनको लगा यार ये कुछ भी इंटरेस्टिंग सा ऑब्जेक्ट नहीं है, चलो फिर उन्होंने इग्नोर किया और चले गए वहाँ से. आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वॉर्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट. अब कहते कि मैंने भी उनके उसके लिए एक बॉक्स में बड़ा ही कोजी सा एक उसका बेड बनाया. ठीक है, जहाँ पे अदर दूसरे डॉग्स भी सोते थे. फॉर टू डेज आई केप्ट एन आई ऑन हिम. कहते दो दिन के लिए लगातार मैंने उसका उस पर नज़र रखी. गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर. उसको खाना नहीं दिया लेकिन पानी खूब सारा दिया पीने को. एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स एंड ऑन द थर्ड ही बिगेन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड. अब कहते कि दूसरे दिन के ख़त्म होने पर, मतलब शाम को ना शाम के समय, उसने थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया अपनी सराउंडिंग्स में क्या क्या हो रहा है. और तीसरे दिन वो भी जैसे डॉग्स की उसको आवाज़ आ रही थी, तो वो ही स्टार्टेड मटरिंग. विम्पर मीन्स मटरिंग, ऐसे जैसे गुर्राते ना हल्का हल्का, उनको सुन के वो भी थोड़ी आवाज़ निकालने लगा. व्हेन आई ओपन द डोर ट्रिकी ट्रॉटेड आउट एंड वॉज इमीडिएटली एनगल्फ बाई जो द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड्स. जैसे कहते मैंने डोर खोला, ट्रिकी जो था वो ट्रॉटेड आउट, ऐसे जैसे होते ना आस पास थोड़ा वो करने लग पड़ा, और एनगल्फ्ड होता है स्वीप ओवर. जैसे जो था, जो एक दूसरा डॉग है ग्रे हाउंड, उसकी हंटर डॉग्स होते हैं, उसकी ब्रीड है. ठीक है, वो था और उसके फ्रेंड्स थे, तो उन्होंने मतलब कैसे खेलते हैं डॉग्स, जो वो नीचे था उसके ऊपर चढ़ रहे हैं, है ना, तो इस तरह से वहाँ पे ये चीज़ शुरू हो गई. आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थरली इंस्पेक्टिंग हिम द डॉग्स मूव ऑफ डाउन द गार्डन. ट्रिकी फॉलोड दैम रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट. अब उसको थोड़ा सा उन्होंने यहाँ वहाँ रोल किया डॉगीज ने, और अच्छे से उसकी इंस्पेक्शन की, और उसके बाद वो नीचे गार्डन की तरफ चले गए. ट्रिकी ने भी उनको फॉलो किया और बेचारा धीरे धीरे चला हुआ है, क्योंकि उसकी जो सरप्लस फैट मतलब एक्सट्रीम जो फैट है उसको संभालते हुए. लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम. उसके बाद वो जब उनको खिलाने का टाइम था तो ये वहीं पे थे. आई वॉच्ड व्हाइल ट्रिस्टन स्लॉप्ड द फूड इन टू द बॉल्स. मतलब उन्होंने देखा कि ट्रिस्टन जो था जिन्होंने बॉल्स में फूड को डाला. देयर वॉज द यूजुअल हेड लॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग. एवरी डॉग न्यू दैट ही इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स ही वॉज लाइबल टू
हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील. अब उनको जैसे खाना देते तो सभी ना एकदम से झपट पड़ते हैं खाने पे डॉग्स पे, क्योंकि सबको पता है कि जो लास्ट में रह गया ना, फिर बाकी के डॉग्स उसका मील खाने आ जाएंगे और उसको बेचारे को स्ट्रगल करना पड़ेगा अपने हिस्से का खाने के लिए. तो सबको जल्दी जल्दी होती है कि फटाफट से जैसे मील अपना फिनिश करो. When they had finished, Ricky took a walk round the shining balls, licking casually inside one or two of them. When they had finished, जब उन्होंने फिनिश किया, ट्रिकी ने देखा, एक उसने मतलब राउंड लगाया शाइनिंग बॉल्स में, जो जो मटेरियल बचा हुआ था, लिकिंग कैजुअली इनसाइड, एक दो को उसने से लिक किया, लिक मतलब चाटना, ठीक है. नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बॉल वॉज पुट आउट फॉर हिम एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जोसलिंग हिज वे टुवर्ड्स इट. और अगले दिन उसके लिए भी एक एक्स्ट्रा बॉल रखी गई और उस दिन उसने दूसरे डॉग्स को पुश करके अपनी मतलब बॉल पे उसने थोड़ा सा अधिकार रखा, तो मतलब वो अभी एक्टिव हो रहा था. From then on, his progress was rapid. तब से फिर उसकी जो progress थी, recovering थी, वो तेज हो गई. He had no medicinal treatment of any kind, but all day he ran about with dogs, joining in their friendly scrimmages. He discovered the joys of being bowled over, tramped on and squashed every few minutes. अभी उसको कोई भी मेडिसिन नहीं चली हुई थी, कोई मेडिसिन ट्रीटमेंट नहीं था उसको, बस उसका ध्यान रखा जा रहा था डाइट का, ठीक है. अब उसके बाद से वो दूसरे डॉग से उसके साथ उसने भागना शुरू किया है ना, उनके जो भी फ्रेंडली स्क्रिमेजेस मीन्स फ्रेंडली जो फाइट्स होती थी उसका हिस्सा बना. फिर वो जैसे जॉयज ऑफ बींग बोल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड एंड स्क्वैश्ड, एक दूसरे पर चढ़ना, एक दूसरे को कुचलना, मचलना, मतलब वो सब उसने शुरू कर दिया, ठीक है. मतलब पूरा उसने पार्टिसिपेट कर दिया उस उनके उनकी खेल में, मस्ती वाली जो लड़ाई होती थी. ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू, फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट. ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ. अब थोड़ी देर में मतलब वो भी ना जो दूसरे डॉग्स का ग्रुप था उनका एक एक्सेप्टेड मेंबर बन गया था. हालांकि वो उनसे बिल्कुल डिफरेंट था. वो कैसा था, बड़ा लिटिल सा सिल्की सा ऑब्जेक्ट ना, वो ऐसे था ना, सिल्की सा था, क्यूट सा, शैगी क्रू. और जो दूसरे थे वो कैसे थे, शैगी क्रू, शैगी मीन्स रफ. वो जितना सॉफ्ट था वो उतने ही रफ एंड टफ थे. और फिर उनके साथ वो शुरू हो गया अपने मील टाइम में, अपने अपने खाने के लिए वो एक टाइगर के जैसे लड़ाई करता था. और रात को वहाँ पे जो ओल्ड हैन हाउस था वहाँ पे जाके हैंस के बीच में रैट्स को हंट करना, उनका शिकार, रैट्स ढूंढना. ही हैड, उसने ऐसा टाइम उसकी लाइफ में देखा ही नहीं था. ऑल द वाइल मिसिस पम्फ्रे hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. फिर अब इन सब के बीच में मिसिस पम्फ्रे वो जो थी, मतलब वो एकदम कंसिस्टेंटली बहुत चिंतित होकर, पता नहीं एक दिन में कितनी बार वो डजन टाइम्स बहुत बार फ़ोन करती थी लेटेस्ट बुलेटिन, उसका हालचाल, उसके अपडेट्स जानने के लिए. आई डॉज द क्वेश्चन अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर बींग ट्रॉन्ड रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर. अब डॉज मीन्स कहते हैं कि मैं इग्नोर करता था कई बार, क्योंकि उससे क्वेश्चंस क्या होते थे कि क्या उसके क्वेश्चन जो हैं वो दिन में चेंज किए जा रहे हैं, जो कोट वो पहनता है वो वेडिंग के अकॉर्डिंग, वेदर के अकॉर्डिंग उसको पहनाए जा रहे हैं. बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कॉन्वलेंसिंग रैपिडली. लेकिन कहते कि वो दूसरे क्वेश्चन तो मैं इग्नोर कर देता था, लेकिन मैं उसको ये पक्का बता रहा था कि अभी ये हमारा जो लिटिल फेलो है वो उसको वो खतरे से बाहर है, और वो रिकवर, उसकी जो रिकवरिंग है, उसकी जो भी प्रोसेस है रिकवर होने की, वो बहुत जल्दी से हो रही है. द वर्ड कॉन्वलेंसिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसिस पम्फ्रे. अब जब उन्होंने बोला ना कि उसकी रिकवरिंग अच्छी हो रही है, तो इससे मिसिस पम्फ्रे ने नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 dozen एट अ टाइम टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ. उन्होंने बोला कि अभी वो ठीक हो रहा है तो वो वीक होगा, तो उन्होंने क्या किया, 2 dozen एट अ टाइम, एक टाइम पे उसको 2 dozen एग्स भेजना शुरू कर दिए कि वो थोड़ा वो वीक है तो उसको उसमें स्ट्रेंथ आए. फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट, बट वेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगैन टू अराइव द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगैन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड. अब क्या हुआ, कहते कि अब वो अंडे हम उसको तो नहीं देते थे बिकॉज उसके लिए ठीक ही नहीं थे वो, है ना, इतनी मुश्किल से तो वो ठीक हुआ था. तो कहते हम मतलब मैं और मेरे पार्टनर्स 2 egg हम खा लेते थे ब्रेकफास्ट में, लेकिन कहते फिर क्या हुआ, फिर तो वाइन की बॉटल्स भी आनी शुरू हो गई. तो फिर जो हमारी हाउस होल्ड मतलब हमारे वहाँ पे सीन
सीन ही चेंज हो गया सारा, है ना। सिचुएशन पॉसिबिलिटी जो थी वो चेंज हो गई। अब एक्स के साथ वाइन भी आने लगी। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड। तो वो क्या बोलती थी कि इससे ट्रिकी का ब्लड जो है वो अच्छा बढ़ेगा और अच्छा उसके लिए। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विथ टू ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। अब कहते हैं कि हम लोगों के लिए तो लंच एक तरह से सेलिब्रेशन ही हो गया था, क्योंकि खाने लंच से पहले 2 glasses वाइन के हम पीते थे, उसके बाद बीच में तो ड्यूरिंग मील तो हम कितने पी जाते थे। वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। कहते हैं कि उससे भी मतलब जो अनोखी बात हुई, पहले तो एग्जाय वाइन आई, अब ब्रांडी भी आ गई। तो फॉर अ न्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक। तो फिर तो मतलब उनका क्या रूटीन था, कुछ मतलब फॉर अ न्यू फ्यू नाइट्स, कुछ रातों के लिए मतलब वही था उनका कि मज़े से खा पी रहे थे, ब्रांडी लेके आराम से मतलब रिस्पेक्टफुली वो इनहेल्ड मीन्स उसको वो उसका इनटेक कर रहे थे, ठीक है। अब देखा जाए तो वो चीज़ ठीक थी ना, ट्रिकी को नहीं चाहिए थी वो चीज़ें, तो वो वेस्ट तो नहीं करेंगे, तो वो अपना इंजॉय कर रहे थे। दे वर डेज ऑफ डीप content starting well with the extra egg in the morning improved and sustained by the midday wine and finishing luxuriously round the fire with the brandy। अब कहते हमारे तो देखो दिन कैसे था, बड़ा सेटिस्फाइंग सा हमारा मेन्यू जला हुआ था। दो हम एक्स्ट्रा एग्स मिलते थे खाने के लिए, उसके बाद लंच वाइन के साथ, और एंडिंग कैसे होती थी ब्रांडी के साथ। तो मतलब एकदम उनका तो लग्जूरियस लाइफस्टाइल चला हुआ था। It was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest, but I knew Mrs. Pumphrey was suffering and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection। कहते हैं कि मन तो ये था कि ट्रिकी को परमानेंटली वहाँ रख लें, क्योंकि उनके मज़े लगे हुए थे उसकी वजह से। लेकिन कहते कि मुझे पता था कि मिसिस पम्फ्रे बेचारी वो परेशान होगी। तो कहते 14 days के बाद मुझे फ़ोन करना ही पड़ा उनको ये बताने के लिए कि उनका लिटिल डॉग अभी बिल्कुल ठीक है और उसको आप ले सकते हो। विद इन मिनट्स अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी। कहते कि कुछ मिनट्स में 30 feet लंबी चमकती शानदार काले रंग की मेटल की गाड़ी एकदम से उनके हॉस्पिटल के आगे खड़ी हो गई। शॉफो ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसिस पम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। तो शॉफर मीन्स एक ड्राइवर जो पर्सनली हायर किया होता है ना, तो उसने डोर खोला और कहते कि मैं उसको तो मिसिस पम्फ्रे को तो क्या देखूं, जो उसका गाड़ी में अंदर इंटीरियर था उसमें ही मतलब वो खो गए थे। हर हैंड्स वर टाइटली क्लास्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर, हर लिप्स ट्रेम्बल्ड। अब कहते वो बैठी कैसी हुई थी, हाथ ऐसे टाइटली उसने मतलब ऐसे उनका ग्रिप था, हाथ पकड़े हुए थे, वो नर्वसनेस ही होती है ना, और उसके जो लिप्स थे वो कांप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट डू टेल मी द ट्रूथ, इज ही रियली बेटर। वो बहुत परेशान ऐसे नर्वस हुई पड़ी, कहती मिस्टर हैरियट सच बताओ मुझे, क्या वो सच में सही है। येस ही इज फाइन, देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम। कहते कि वो बिल्कुल ठीक है और आपको गाड़ी से नीचे उतरने की जरूरत नहीं है, मैं उसको पकड़ के लाता हूँ। आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, अ मास ऑफ डॉग्स वॉज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड द लॉन एंड इन देयर मिडस्ट ईयर्स फ्लैपिंग टेल वेविंग वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी। कहते कि मैम घर से होता हुआ गार्डन में पहुंचा और डॉग्स का ग्रुप जो था वो यहाँ से वहाँ भाग रहा है, इधर से उधर, है ना, लॉन में, और उनके बीच में ऐसे कान को फ्लैप करता हुआ पूंछ हिलाता हुआ छोटा सा ही गोल्डन कलर का ट्रिकी भी था। इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लीड हार्ड मसल्ड एनिमल। वो तो 2 दिनों में वो एकदम बढ़िया अच्छी सी बॉडी उसकी, वेल मेंटेन बॉडी और एकदम स्ट्रॉन्ग मसल्स वाला बन चुका था। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स एंड हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड। कहते कि उसने मतलब उन डॉग्स ग्रुप के साथ एकदम अच्छा वाला मतलब वो कर लिया था और उनके साथ उसकी खूब सारी एक्सरसाइज होती थी, स्ट्रेचिंग होती थी, उसकी चेस्ट जो है वो था ना सॉफ्ट सा, तो जैसे वो क्रॉस होता था कहीं से जाता था तो वो ग्राउंड के साथ ऐसे उसको टच करके तो उसे जैसे ब्रश वाली फीलिंग आती है ना वैसे करती थी, उसका बताया हुआ है, ठीक है। आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, द शोफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस ही टुक ऑफ From my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap। अब कहते कि मैंने उसको
वो लाए उसको उठा के है ना पैसे घर के घर से होते हुए, और जो ड्राइवर था वो उसने अभी भी गाड़ी का डोर खोला हुआ था, और जैसे ही ट्रिकी ने अपने ऑनर को देखा उसने मतलब कहते कि मेरी आम से वो एकदम उछल कर बिल्कुल तेज़ी से एकदम उसने जंप किया और मिसिस पम्फ्रे की गोद में जाके बैठ गया। शी गेव अ स्टार्टल ओ एंड देन हैड अ डिफेंड हर सेल्फ एज स्वॉम्ड ओवर हर लीकिंग हर फेस एंड बाकिंग, मतलब वो तो उसको झटका लग के कहती ओ, और मतलब अपने आप को बचा रही है क्योंकि जो ट्रिकी है वो उसको लिक कर रहा है ना, चाट रहा है कभी फेस पे है ना, और मतलब उसको प्यार जता रहा है तो उसको अपने आप को बचाना पड़ रहा है उसे। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द शोफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स टॉयज कुशन कोर्ट्स एंड बॉल्स नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड। तो कहते कि इस तरह से वो अभी उनकी एक्साइटमेंट चली हुई थी तो मैंने ड्राइवर की हेल्प की उसके बेड टॉय कुशन कोर्ट्स बॉल सब लाने में जिनका हमने यूज़ ही नहीं किया था। एज द कार मूव्ड अवे मिसेस पम्फ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो टीयर्स शोन इन हर आइज हर लिप्स ट्रेम्बल। कहते जैसे गाड़ी मतलब चलना शुरू हुई तो मिसेस पम्फ्रे जो थी वो विंडो से बाहर निकलती हैं और उनकी आंखों में आंसू चमक रहे हैं और उसके लिप्स कांप रहे हैं। ओ मिस्टर हैरियट शी क्राइड हाउ कैन आई एवर थैंक यू दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो वो कहती है कि ओ मिस्टर हैरियट, वो इतनी ओवरवेल्म्ड है, इतनी इमोशनल है, कहती कि मैं आपका कभी कैसे मतलब थैंक यू कैसे मतलब इतना बड़ा एहसान आपने किया है, सच में सर्जरी की जीत हुई है, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। अब वो क्या सोच रही कि पता नहीं कितनी बड़ी सर्जरी हुई है इसकी है ना, क्या क्या उसके मतलब उसको कितनी वैक्सीनेशन सर्जरी बेचारे के साथ क्या क्या हुआ है, और वो नहीं जानती कि उसको तो इवन एक गोली तक नहीं दी गई, कि मेडिसिन की है ना कुछ भी नहीं दिया उसको, तो बस ओवर ईटिंग की वजह से वो बेचारा बीमार था। तो इस तरह हमारी स्टोरी एंड होती है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ ओवर ईटिंग इज़ नॉट गुड फॉर ओवर ईटिंग इज़ नॉट गुड नॉट फॉर एनिमल्स एंड नॉट फॉर ह्यूमन बींग्स। किसी के लिए भी ओवर ईटिंग अच्छी नहीं है, उतना ही खाओ जितना आपको जितना डाइजेस्ट हो सके, एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है, और प्यार प्यार में जो ज़्यादा खाना खिलाना ये बहुत भारी पड़ जाता है सिर्फ ह्यूमन बींग्स पर ही नहीं बल्कि एनिमल्स पर भी। तो चलो फिर अब नेक्स्ट वीडियो में I will be telling you difficult words with their meanings. So till then, take care and happy learning.